गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। फिलहाल इस वक्त मैं आप तो पूरा दुनिया घूम रहे हो, इतने दूर से नहीं आना चाहिए, मतलब बहुत दूर हो गया भाई। भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया है, नोमैड शुभम ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। कैमरा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, मैं फोन से कर रहा हूं। मैंने भी तो फोन से स्टार्ट किया था। चीयर्स शुभम। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, स्वागत है मैंने से वीडियो में। सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूँ पटना किसी काम से, लेकिन मैं पटना आया और पटना से मैं एक जगह पे आया हूँ। मैं जगह का नाम बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये एक प्राइवेसी है, किसी से मैं मिलने आया हूँ और किसी का रहने का जगह मैं मतलब ऐसे नहीं बोल सकता हूँ पूरे यूट्यूब पर, और मुझे बोलना भी नहीं है क्योंकि वो उनका प्राइवेसी है। सो मैं उनसे मिलने आया हूँ और शायद आप लोग जानते भी होंगे, वर्ल्ड के बेस्ट हिचहाइकर और बहुत मशहूर बिहार के शान। गेस करो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, नोमैड शुभम। नोमैड शुभम से मैं मिलने आया हूँ। उनका स्टोरी देखा था इंस्टाग्राम पे कि वो इंडिया आ चुके हैं, तो मैंने अपना सारा टूर को आगे के लिए छोड़ दिया और मैं आ गया उनसे मिलने। 1000 किलोमीटर दूर उनसे मिलने आ गया, उनका प्यार खींच लाया और मैं उनके गांव आया हूँ। गांव का नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन मैं उनसे मिलूंगा और ट्राई करूंगा अगर वह यहाँ होंगे तो, क्योंकि चांस नहीं है कि वो यहाँ पर रहेंगे क्योंकि वो घूमते रहते हैं। सो मुझे नहीं पता बेटी घर कहाँ है शुभम भाई का। शुभम नमस्ते शुभम, जो नहीं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं आ गए। सो गाइज मैं पूछ के जा रहा हूँ और देखते हैं शायद मुझे मिल जाए वो घर पे, क्योंकि ये मेरी किस्मत है यार, एक ऐसा इंसान जिसको देख के मैंने ट्रैवलिंग का कीड़ा अपने अंदर घुसाया और आज बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर कि मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। उनके लिए मैंने सेब लिया है 1 किलो ताकि उनको कुछ भेंट कर सकूं। तो देखते हैं, चलते हैं पूछ। बैंक से आगे जाके के एक गली है, उसका मेडिकल है, उसका चाचा का मेडिकल है बैंक आगे। ठीक है, ये सीएसपी है ना, सीएसपी उसके बगल में ही। ठीक है। सो गाइस मैं ट्राई करूंगा यार पहुंचने का और चलते हैं। सो गाइस मैं पूछ के जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या कि मैं पहुँच पाता हूँ नहीं पहुँच पाता हूँ। वो घर पे रहते हैं नहीं रहते हैं, क्योंकि वो इंडिया में आए हैं और उन्होंने बोला भी था स्टोरी में कि वो जल्दी निकल जाएंगे, इसलिए मैंने हिचहाइक नहीं किया। बिकॉज अगर मैं हिचहाइक करता तो मुझे आने में वो टाइम लगता और मैं टाइम से पहुँच नहीं पाता और मैं उन्हें मिस कर देता, और क्या पता मैं उन्हें आज ही मिस कर दूं बिकॉज वो यहाँ पे हैं या नहीं हैं मुझे खुद नहीं पता। इसे पूछना ही पड़ेगा मुझे शुभम भाई का घर कहाँ है। सो गाइस मुझे शुभम भाई के चाचा मिले थे और बोलते रहे घर यहीं पे हैं। सो गाइस एक बहुत सैड न्यूज़ मेरे लिए कि शुभम भाई अभी यहाँ से निकल गए हैं और बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दूर। और ये उनकी छोटी बहन है। हाय, आपका नाम क्या है? काजल नाम है इनका। ये शुभम भाई की छोटी बहन है और मैं नहीं मिल पाया इनसे, सुबह ही चले गए। हाँ, सो गाइस मैं बहुत दूर से आया था और पता नहीं ऐसा आज सुबह ही निकली और मैं आज ही आया, अभी आया। तो सो गाइस मैं नोमैड शुभम के घर में हूँ और ये उनकी मम्मी है जिनको मैंने देखा था यूट्यूब पे, बहुत बार देखा था। एक घर पे आया था इंटरव्यू के लिए, थोड़ा खाना खा रहे थे तो देखा था आंटी को। सो तब से मतलब उसके बाद मैं पूरा इंटरव्यू देखा, उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू देखे। आएंगे तो मिल लेंगे शुभम भाई से। आंटी हैं, थैंक यू आंटी। और ये उनकी सिस्टर है प्यारी सी, छोटी सी।
और यहाँ पे मुझे वो खाना खिला रही है। और शुभम भाई शायद यहाँ पे आसपास ही नानी के पास शायद शायद मिल पाए, देखते हैं ट्राई करते हैं। बहुत उम्मीद से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं सब सफ़र करके, अगर किस्मत अच्छा रहा तो मिल पाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। सो गाइस मैं वेट कर रहा हूँ शुभम भाई का, शायद वो आ सकते हैं और मेरे साथ उनके पापा हैं। सो बहुत खुशी हो रहा है, मतलब ये प्राउड फादर हैं। कैसा लगता है जो जो शुभम घूमता है दुनिया तो आपको घूम ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और समय समय पर आ ही जाता है, आता है, इसलिए आपको इतना शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता कि हाँ मतलब कैसे रहेगा कैसे रहेगा नहीं रहेगा कभी, लेकिन आप तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो सब कुछ सीख गए हैं, वो मतलब कुछ कर लेते हैं। सो गाइस ये है उनके पापा। आपका नाम क्या है इनका? सतीश कुमार। सतीश कुमार नाम है इनका, और बहुत गर्व फील करते होंगे यार इनका बेटा का नाम है इतना बिहार में, पूरे इंडिया में सब उनको जानता है इनके बेटे को नुमान शुभम के नाम से, और मैं तो उनका हूँ ही एक मिलियन में एक इंसान जो उनका ब्लॉग देखता है और उससे इंस्पायर्ड होता है। सो गाइस एक सरप्राइज़ है मेरे लिए कि मतलब मुझे लगा था मैं भाई से मिल नहीं पाऊँगा शुभम भाई से, बट मेरे सामने शुभम भाई, मैं पकड़ लूँ कैसे? हाँ हाँ सर भाई, मैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मतलब मैं थोड़े गुजबम्स आ जाएंगे अभी कि मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, कुछ बोलिए ना प्लीज़। मतलब मैं आया हूँ, मतलब मैं भी घर पे आ रहा था आज, आज मैं निकलने वाला था बट अभी ये घर पे आ गए और मैं दूसरे गांव गया, तो फिर वापस से आया। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा नहीं। आप एक्चुअली आप अच्छा खासा, मम्मी बता रही थी कि अच्छा खासा बैठे आप एक दो घंटे तक यहीं से, मुझे लगा कि आप चले गए, उन्होंने बोला, मुझे लगा कि यार मिल नहीं पाऊंगा। सो गाइज ये है वो नोमड शुभम जो मैं जिनको मैं 2019 से फॉलो कर रहा हूँ और इनका वेट करता हूँ यार, मतलब कब ये इंडिया आएंगे, और फाइनली ये इंडिया आए तो मैंने पूरा अपना टूर कैंसिल कर दिया और आ गया इनके पास। सो मैं कुछ बोलोगे? मैं आया हूँ आपके पास बहुत दूर से, तो अरे भाई क्या बोलूँ, मतलब आप तो पूरा दुनिया घूम रहे हो, दूर से नहीं आना चाहिए, मतलब बहुत दूर हो गया भाई टाटा से। आप आते हो तो आप मतलब 5 दिन ही यहाँ पे रुकते हो, तो क्या करो, मतलब आना पड़ता है ना। पिछली बार एक्चुअली जब मैं आया था नवंबर में तो मैंने एक मीटअप रखा था पटना में, इस बार तो नहीं रख पाऊंगा, देखता हूँ क्योंकि अब कोविड का वगैरह का सीन है, रूल्स वगैरह है बहुत सारे। सो या अच्छा लगा आपसे मिलके। भाई मैं बोल रहा था कि मैं मतलब लॉकडाउन में मुझे इंटरेस्ट लगा जॉब, मतलब उसमें ट्रैवलिंग में कि मैं ट्रैवलिंग करूंगा और थोड़ा सा मुझे मजा आने लगा, फिर मैं पूरा नॉर्थ इंडिया कवर कर लिया। अच्छा। फुल हिचहाइक, हिमाचल, लेह लद्दाख, कारगिल, कश्मीर, पंजाब, पूरा मैंने हिचहाइक से कवर किया। ओके। और काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि नहीं मतलब भाई का है थोड़ा सा, मैं बोल नहीं पा रहा थोड़ा सा। मैंने एक रोशन भाई, सो गाइस भाई मेरा चैनल का नाम पूछ रहे हैं, मैनिक रोशन, MANIAC। हाँ, यही है ना? हाँ आ जाएगा, ये रहा ना? हाँ फर्स्ट वाला। अरे वो उनसे 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 आपको जानते हो, उस विष्णु को? विष्णु को विष्णु नहीं जानता कौन विष्णु? ओह माय गॉड भाई, मेरा चैनल उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, नोमैड शुभम ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ये मेरे लिए सपना से कम नहीं है भाई। मेरे साथ चाय पीना है एक। जरूर जरूर भाई। क्या नाम है उसका? यार ये क्या हो रहा है भाई, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एकदम से मैंने देखा इनका स्टोरी और मैं भागता भागता हुआ आ गया कि मुझे मिलना है, चाहे हो मतलब जो हो देखा जाएगा, बट मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि ये चले गए, लेकिन फिर भी एक मन में था यार नहीं यार क्या, फिर मतलब एकदम से मुलाकात हो गई शुभम भाई, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं सच में मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। शुभम भाई जो मेरी तरह ट्रैवलर होते हैं जो स्टार्ट करते हैं वो मतलब उनको क्या करना चाहिए, बस मतलब जो जिनके पास मतलब पैसे का कमी है या फिर कैमरा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मैं फोन से कर रहा हूँ व्लॉग। मैंने भी तो फोन से स्टार्ट किया था एक्चुअली। हाँ। गोप्रो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तू कैमरा खरीद ले, कैमरा खरीद ले, फोन से मत कर। आपके पास तो माइक भी बिना, मैंने माइक का यूज किया था। अच्छा। मेरी वीडियो सेक ही आती थी, अब तो हाँ। फोन अच्छे भी आते हैं। हाँ। चार चार कैमरा, जब मेरे फोन में तो एक ही कैमरा था जब मैंने स्टार्ट किया था। ओके। सो अब टेक्नोलॉजी काफी बढ़ती जा रही है, फोन एक अच्छा साधन है। मैंने देखा, मैंने युगांडा की सीरीज थी। हाँ। पूरा मैंने फोन से ही किया। हाँ। था। हाँ। तो फोन से करने का मुझे लगा कि यार फोन बेटर है मुझे कैमरा से, तो कैमरा अच्छा है इसका, कैमरा बेटर है यार, तो मैं ये यूज करता हूँ कैमरे फोन मतलब व्लॉग के लिए। जनरली आप बैक कैमरा यूज करो जो? हाँ, बैक कैमरा थोड़ा सा अच्छा आता है। सेल्फी मैं यूज नहीं करता हूँ भाई। ओके। और भाई मैं आपका भक्त हूँ,
आपको मजाक लगेगा, आप हंस लो, लेकिन मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। सो कुछ बोलना चाहो जो मुझे देखते हैं, जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं? मतलब जो अभी आप नए देख रहे हो, कृपया सपोर्ट करें छोटे क्रिएटर को, क्योंकि मैं रोशन है भाई, रोशन है, छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करें, क्योंकि अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, तो अभी इनके आपको सपोर्ट की जरूरत है। एक बार जब चैनल चल जाता है तो फिर और चाय अच्छा लेके आई गई। सो गाइस, चाय आ गया। ये मेरा ड्रीम था कि मैं चाय पीऊंगा भाई के साथ में, और आज ये ड्रीम पूरा हो रहा है, और ये भाई भी आया है मिलने के लिए। थैंक यू मेरा हाथ थोड़ा सा शेक कर रहा है, बट मैं चेयर्स कर लूँ क्या? चेयर्स भाई, शुभम। हालांकि रशिया तो नहीं है, फिर भी चेयर्स। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यार, ओ माय गॉड। और यार इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बोला तो बोल ही गया था। प्लीज़ प्लीज़ भाई, भाई एक बार आप बोलोगे अपने तरीके से, आप जैसे बात करते हैं, वो स्टार्ट करते हो ना? स्टार्ट करता हूँ चैनल मेरा जो ट्राइपॉड है वो भाई पकड़ने वाले हैं, सो ये ट्राइपॉड मैं रखने वाला हूँ संभाल के। शुभम भाई है मेरे साथ यार, 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले भाई। तो क्या करना है, चैनल स्टार्ट जिस तरह मैं करता हूँ? स्वागत है, जैसे बात करें स्वागत। अच्छा अच्छा, ये वाला रुको एक सेकंड, मैं चेकता हूँ कि ये मेरे पास कैमरा पहली बार आ रहा है। तो जनरली जब मैं स्टार्ट करता हूँ, जनरली जस्ट मैं प्रेस करता हूँ बटन एंड अपना कैमरा स्टार्ट कर लेता हूँ, एंड बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, व्हाट एवर गुड इवनिंग होता है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ जहाँ भी रहता बता देता हूँ, उसी तरह करता हूँ, मेरी आदत सी हो गई। सोचा नहीं था कि ऐसा बोलना स्टार्ट करूँगा, बट अब तो एक इस काइंड ऑफ बन गया है कि शुरू में मैं इसी तरह ही बोलता हूँ, तो चल रहा होता है। हालांकि कैमरा से मैं कभी कभी काफ़ी हो जाता हूँ, क्योंकि खास करके इंडिया में मैंने आज तक ज़्यादा ब्लॉगिंग की नहीं है। तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि इंडिया के बाहर क्या होता है, किसी को समझ नहीं आता क्या बोल रहा हूँ मैं। तो कुछ जो बोलना है बोलो, गलती हो गई तो फिर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब कुछ भी बोलो सबको समझ में आता है ना, समझ में आता है वही चीज़। तो थोड़ा डिफिकल्ट इंडिया में ब्लॉगिंग करना कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हाँ यार, तो मुझे याद है कि जब मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा था अस्थाना में, तो कोई नहीं था आसपास, एक बूढ़े अंकल थे और उनको हिंदी अक्सर समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी मुझसे नहीं बोला जा रहा था। मैं 50 बार ट्राई कर रहा था, फिर छोड़ दिया मैंने। हाँ मैंने आपको देखा है, मैंने आपका सारा ब्लॉग देखा है। और भाई आपको डर नहीं लगता क्या, मतलब स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा डर था? मतलब बहुत डर लग रहा था शुरू में, शुरू में आप वीडियो से भी देख सकते हो, डर ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता। आप अफगानिस्तान की वीडियो देखो, उसमें पूरा डर लग रहा है मुझे। हाँ यार, मतलब जब तालिबान के कब्जा करने के पहले भाई वहीं पे थे, इनका जो न्यूज़ भी आया था मैंने देखा था, तो काफ़ी मतलब शॉकिंग था यार ये चीज़। और काफी प्राउड फील करती है कंट्री आप पे, आपको मतलब लगेगा थोड़ा सा, बट मुझे पता है मैं इंडिया में रहता हूँ, थोड़ा सा जहाँ रहता हूँ मुझे पता है लोग आपको कितना प्यार करते हैं, लोग मरते हैं और लोग आपको बहुत मिस करते हैं कभी कभी। आप इंडिया से इंडिया आते हो चले जाते हो जल्दी, तो टाइम नहीं देता। आई थिंक एक बहुत जल्द है, जल्द मैं एक इंडियन प्रॉपर टूर स्टार्ट करूंगा, बट अभी नहीं, बहुत जल्द बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा इंडियन प्रॉपर टूर में। तो मैंने 3 महीने में कम से कम 13 मतलब स्टेट मैंने कवर कर लिया है। अच्छा अच्छा, 3 महीने में 13 स्टेट, मतलब काफी अच्छा लग रहा है ये। बिहार आपने ट्राई किया नहीं? बिहार तो मेरा घर ही है। अच्छा, बिहार, आप बिहार से हो? औरंगाबाद। हां, औरंगाबाद बिहार से हैं, लेकिन मेरा पालन पोषण हुआ है बोकारो में। बोकारो में, ओके। सो गाइस, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, मेरा हाथ दर्द दे रहा है। यहाँ से और मैं इनसे कुछ मांग रहा हूँ विश मेरे ट्रैवल के लिए, जर्नी के लिए। और जो भी आप मने, आपको जो मन है ना बोली, तो बस आपका चाहिए मुझे विश जर्नी के लिए, मेरे जो आगे जर्नी है उसके लिए। क्या नाम है आपका? रोशन। मैंने रोशन, मैं रोशन। सो गाइस, शुभम भाई मेरे लिए विश लिख रहे हैं, मैं इनसे जबरदस्ती लिखवा रहा हूँ कि लिखो आप, क्योंकि मुझे चाहिए इनका मोटिवेशन और इनका जुनून चाहिए मुझे, जिनके जो इनके पास है वो मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल। सो गाइस,
शुभम भाई जी, जो मेरा बाल है ना, मैंने आपको देख दिया है। अच्छा। और मैं रोज घर में गाली सुनता हूँ उन्होंने बाल है ना। सो शुभम भाई, मैं नेक्स्ट ईयर निकल रहा हूँ साउथ ईस्ट एशिया की ओर, इसके लिए मतलब मुझे क्या करना, आप मुझे बता दो फटाफट से, मतलब क्या करना चाहिए मुझे। अभी तो भाई रोड की म्यांमार में पड़ा हुआ है। मतलब मैं जाऊँगा फ्लाइट से, जाऊँगा थाईलैंड, फिर वहाँ से ट्राई करूँगा। थाईलैंड, अगर थाईलैंड जाओगे तो थाईलैंड हो गया, फिर वहाँ से आप जा सकते। एक्चुअली फ्लाई कर लेना आप मलेशिया, मलेशिया ईजी होगा। क्या मलेशिया फ्लाई? मलेशिया सस्ती फ्लाइट भी मिलेगी। ओके। और ई वीज़ा भी हमारे लिए। ओके। अच्छा, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड से आप जा सकते हो लाओस, लाओस जा सकते हो वियतनाम, और फिर कंबोडिया भी है वहाँ पे। हाँ। अब वहाँ पे देखना क्या सजेशन रहेगी, वहाँ से लाओस से चाइना का वीज़ा आराम से मिलता है। अच्छा। तो वहाँ से अगर चाइना का वीज़ा मिला चाइना जा सकते हो, फिर चाइना को चले गए तो फिर कहीं भी जा सकते हो चाइना के वहाँ। तो ये एक्चुअली पाँच कंट्री आराम से कर सकते हो। मैं ऑप्शन देता हूँ म्यांमार में, जो मेरी फेवरेट कंट्री है, बट म्यांमार में भी प्रॉब्लम चल रहा है, अभी एंटर नहीं कर रहे हैं, एंटर नहीं कर रहे हैं, तो जो अलग मुझे क्यों लगा हुआ है उधर। सो गाइस, शुभम भाई जा रहे हैं और इतना टाइम दिया उन्होंने, बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइस, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। शुभम भाई पका पका, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर कभी आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और उनको मैं हाय बोलना, ब्रिडन को। ठीक है। Thank you.